हेलो गाइस, तो मैं पहुंच चुका हूं मैग्नेटिक हिल पे, है ना। और यहां का व्यू देखो, कैफे बंद है लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन आप यहां जो व्यू देखो ना, ये रेत का पहाड़। गर्लफ्रेंड के साथ आए, बॉयफ्रेंड के साथ आए, चाची के साथ आए, चाचा के साथ आए, सब आए जरूर, आए जरूर। और नीचे तक आए, ऐसा नहीं आप ऊपर से संगम देख के चले जाए, वो मजा नहीं है। और उस पॉइंट पे ये ना बोले कि स्कूटी फिसल जाएगी, वो तो स्कूटी बताएगी। हेलो गाइस, तो मैं पहुंच चुका हूँ लेह में, एंड दिस इज डे वन, और ये मेरा होटल है सोकर रिट्रीट। बाकी आपको पूरा व्यू कराऊंगा होटल का, अभी आया हूँ यहाँ पे, थोड़ा रिलैक्स करूँगा, खाया कुछ नहीं है, यहीं पे अब लंच वंच करेंगे, देखते हैं। बाकी पूरा रूम का व्यू दिखाऊंगा, रूम से क्या व्यू है बाहर का, वो सारा चीज़ चेकआउट कराऊंगा, तो जुड़े रहो मेरे साथ। और ये मेरा होटल है फॉर डे वन, और मैंने चाय मंगाई अपने लिए, तो लाइक ये मैंने ऐसे भाई साहब चाय डालते हुए अपने कप में। वैसे यहाँ पे जब से मैं एयरपोर्ट से उतरा हूँ, यहाँ पे एक्चुअल मौसम एकदम सा चेंज हो गया, काफी कोल्ड है, हमें टेम्परेचर बहुत डाउन है, मैंने चेक नहीं किया, कितना मैं बताऊंगा आपको थोड़ी देर में। एंड चाय मेरे साथ में, फ्रेंड है उनकी भी। हाउ मच क्यूब डू यू टेक? तो चाय रेडी हो गई है, जस्ट ही हिलाना है। और गाइस यहाँ व्यू देखो, मेरे हॉल का व्यू बहुत प्यारा है, खाना खाऊंगा। फिलहाल मैंने चाय मंगाई है, चाय पी के और उसके बाद मैं करने वाला हूँ हिमालयन की, आई थिंक हिमालयन बाइक करूँगा या कोई सी भी बाइक करूँगा जो अवेलेबल होगी। और यहाँ से हम आज लेह कवर करेंगे, क्योंकि आज के दिन हम कहीं हाई एल्टीट्यूड पे नहीं जाना चाहते हैं, तो हम बाइक लेके हम जाएंगे मैग्नेटिक हिल और संगम जाएंगे, जहाँ जांसकर और इंडस वैली रिवर आपस में मिलती है, बहुत अच्छा व्यू है वहाँ से। और उसके बाद जाएंगे हम वापस आते हैं शांति स्तूप लेह मार्केट में, आपको लेह मार्केट दिखाएंगे, लेह मार्केट का बहुत सुंदर व्यू होता है यहाँ पे, और यहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे कैफेज हैं, उसमें जाके उसको एक्सप्लोर करेंगे और आपको दिखाएंगे। तो मिलते हैं चाय पी के, खाना खाने के बाद आपको मिलते हैं बाइक पे, बाय। हमारे पास 350-500 स्क्रैम, ठीक है ठीक है, हिमालयन भी है, हिमालयन क्या
नीचे पर दो जेब में रखे हैं। तो गाइस मैं हूँ अभी ले मार्केट में, द फेमस वन। भाई साहब यहाँ पे जब मैं 2018 में आया था तो यहाँ पे इतने सारे कैफेज नहीं थे, बट अब इतने बढ़िया बढ़िया कैफेज बन गए हैं। आज रात को एक्सप्लोर करेंगे कैफे, आगे आपको व्यू दिखा दूँ। और अभी भूख लगी हुई है तो कुछ खाने का ही सर्च कर रहे हैं, कुछ खा के देन निकलेंगे हम संगम मैग्नेटिक हिल एंड वापस आते हैं शांति स्तूप। तो साथ में जुड़े रहिए, आपको प्रॉपर व्यू दिखाऊंगा। दिस इज वन एंड ओनली ले मार्केट। गाइस मैं यहाँ पे आ गया हूँ कैफे, भैया इस कैफे का नाम क्या है? एशियन कॉर्नर। हाँ, एशियन कॉर्नर, एशियन कॉर्नर कैफे में आया हूँ। और मैंने मंगाया बटर चिकन कैडो। व्यू देखो यहाँ पे, और ये भैया हैं जो चिकन बनाते हैं। आलू मटर गोभी, आलू मटर गोभी बोलने वाली नहीं होती, नॉर्मल कैफे है। अब खाऊंगा खाना कैडा। ये रहे हमारे वेज मोमोज, ये है सब्जी आलू मटर, आलू मटर की सब्जी, स्टील का पाइप, चिकन है, चिकन कड़ी है ना, ये दाल मखनी, ये भैया रोटी कैड़ी वाली, और रायता। अभी खा के बता दो टेस्ट कैसा है गाइस। तो गाइस अब ये खा के बता दो आपको यहाँ का टेस्ट कैसा है, और थोड़ा सा मज़ा तो आपको भी आएगा क्योंकि दिखने में बहुत कैसा है। ये तो है खाना, हम क्या बताते हैं देखा, सुन रहा दोस्त भी कह रहा भाई चिकन ना दम है भाई, टेस्ट अच्छा है, फ्रेश भी है, फ्रेश भी है। कौन सा था टेस्ट अच्छा है भैया चिकन का? थैंक यू भाई। कौन सा वाला था ये? चिकन करी, चिकन करी यार बढ़िया है भैया। दिस इज गुड, चिकन करी। चीयर्स, खाने का मिलता है। थैंक यू, बाय। नहीं मैंने तभी खाया नहीं। ओ ये इनकी दाल मखनी में हुए कैड़ा खराब, हमारे से खाना बहुत कह रहा हूँ। ये आलू मटर प्याज गोभी शिमला मिर्च धनिया, ये कैसा है? ये तभी ठीक है भैया, लद्दाख वाली जगह में अगर घास पूछ खाओगे तो जिंदा कैसे रहोगे? खूब ऐसे ही कह दी मैंने, यहाँ तो मांस मच्छी खाओ। अब तो नवरात्रि खत्म हो गए, वही तो दुर्गा पूजा भी खत्म हो गई, दशहरा भी बोल दो बचा होगा, किसी फेस्टिवल में दशहरा ही बचा है ना, दुर्गा पूजा भी हो गया, नवरात्रि भी हो गई, दशहरा कौन बोलेगा? भाई दूज आए हो भैया, भाई दूज बाड़े हमारे मतलब है ना, हम सिर्फ घर पे मना रहे हैं, हम बहुत बाहर न मनाते हैं, बाहर हम से वैलेंटाइन से मना रहे हैं भाई, किस डे हग डे ये होते हैं, ज़्यादा मत खाना वरना इसके बाद भी हग डे होगा तुम्हें। मेरी दिल की बात छीन ली, तरन तरन होगी खाना खा रहे हो अभी? मैंने सिर्फ तरन तरन बोला, बोला उसने क्या उसमें बुरा लगा आपको? She's your friend. मेन बात उसने बोली। तो गाइस खाना खा लिया है और हम निकल रहे हैं, बाइक उठाते हैं और लेक को घूमते हैं, देखते हैं कौन कौन सी जगह बढ़िया है। पाँच सौ का डाल देना है। तो भाई ये पहला फ्यूल डल रहा है 500 का।
पानी की छनछनाहट, मिट्टी के पहाड़ में नदी बह रही है और प्रॉपर ग्रीनरी, लेकिन कर सकते हैं ऐसा। ये है मैग्नेटिक हिल, हेलो गाइस, तो मैं पहुंच चुका हूँ मैग्नेटिक हिल पे, है ना, और यहाँ का व्यू देखो, कैफे बंद है लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन आप जो व्यू देखो ना, ये रेत का पहाड़, तो गाइस ये मैं पहुंच चुका हूँ मैग्नेटिक हिल पे और यहाँ का व्यू देखो बहुत ही औसम है। यहाँ पे कैफे है, मैं पहले आया हूँ पर इस टाइम पे बंद है ये, और यहाँ पे जो आगे दिख रही होंगी यहाँ पे गाड़ी, एक्चुअली यहाँ पे मैग्नेटिक पावर है, यहाँ पे गाड़ी एक जगह पे रोक के न्यूट्रल कर देते हैं तो गाड़ी अपने आप आगे जाती है, और ये एक्चुअल है क्योंकि मैं पहले आया था तो मैंने ये ट्राई किया था, गाड़ी एक्चुअल न्यूट्रल हो। और मैं आ गया हूँ संगम पे, यहाँ पे जांसकर रिवर है और एक इंडस वैली आती है, बाकी व्यू आप देख ही रहो कितना सुंदर है, और यहाँ पे राफ्टिंग भी होती है, आती है राफ्ट यहाँ पे चलती रही है, वैसे अभी ऑफ सीजन है तो लोग कम है, लेकिन यहाँ पे बहुत प्यारा व्यू है, दिखाओ एक बार। हम दो पीते हैं ना, अच्छा बता रहा तो अरे भाई यहाँ एक बार चीयर्स करते हुए पहले मैं पूछूंगा, मेरे को तो बहुत लगा, मेरा दोस्त बताएगा भाई कैसे लगा है, दो नदियों का संगम है भाई यहाँ पे, एक जांसकर रिवर और एक इंडस वैली, ठीक है, अभी राफ्ट भी देखिए, राफ्टिंग होती है, कैसा व्यू लग रहा है, इट्स योर फर्स्ट टाइम और मेरा सेकंड टाइम, बहुत ही पीसफुल है जगह, मैं रिकमेंड करूंगा भाई और सबको लाए और एंजॉय भी करें, दोस्तों के साथ भी आए, फैमिली के साथ भी आए, जो जो पहुंच पाए उनके साथ आए, गर्लफ्रेंड के साथ आए, बॉयफ्रेंड के साथ आए, चाची के साथ आए, चाचा के साथ आए, सब आए जरूर, आए जरूर, और नीचे तक आए, ऐसा नहीं आप ऊपर से संगम देख के चले जाए, वो मजा नहीं है, और उस पॉइंट पे ये ना बोले कि स्कूटी फिसल जाएगी, वो तो स्कूटी बताएगी, नहीं बहुत सुंदर है, ये मेरा डे वन लेह में
होटल का रूम है। तो मैं आ गया हूँ खरदुंगला पास।